ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो रहे हैं और फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, यानी कि अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025। देवगुरु बृहस्पति हर साल में एक बार वक्री होते ही हैं। ग्रह का वक्री होना उनका सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। वक्री ग्रह ये एक ऐसा टॉपिक है ज्योतिष में जो अनुसंधान का विषय सदैव रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहा है, लेकिन इस पर बहुत विरोधाभास भी है, मतभेद भी है। शास्त्र हो, ज्योतिषाचार्य हो, सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें सर्वसम्मत हैं। उसमें से पहली चीज़ ये है कि कोई भी वक्री ग्रह होता है वो बहुत बलशाली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभ तत्व बढ़ता है, और अगर पाप ग्रह वक्री होता है, क्रूर ग्रह वक्री होता है जैसे शनि, तो उनकी क्रूरता बढ़ती है। इसका मतलब एज इट इज़ नहीं लेना चाहिए, लेकिन शुभ ग्रह की कुछ शुभता यानी कि उनके जो कुछ शुभ तत्व हैं, शुभ कारकत्व हैं, उसकी वृद्धि अवश्य होती है। और बलि क्यों होता है ग्रह वक्री होकर? क्योंकि उसको चेष्ट बल मिल जाता है। ज्योतिष में कई प्रकार के बल हैं, जिसमें से एक होता है षडबल, और षडबल में एक बल होता है चेष्ट बल। कोई भी ग्रह वक्री होता है सीधा उसको चेष्ट बल मिल जाता है। चेष्ट का मतलब क्या होता है? प्रयत्न, प्रोत्साहन, प्रेरणा, प्रयास, ये सब हम चेष्ट से रिलेट करते हैं। मेरे अंदर इस चीज़ को की प्राप्ति की चेष्टा है, तो वक्री ग्रह चेष्ट बली हो जाता है। उसके अंदर बदलाव लाने की प्रेरणा होती है, बदलाव लाने की क्षमता और सक्षमता दोनों ही होती है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक वक्री ग्रह क्रिएट करता है, लेकिन ये भी मान के चलेगा जहाँ एक और वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लाएगा, वहीं थोड़ी सी मंदता भी होती है, क्योंकि ग्रह अगर वक्री होता है तो उसकी स्पीड हट जाती है। वक्री ग्रह अवश्य बहुत रिजल्ट दे सकता है, लेकिन कैसे? अपने नॉर्मल चाल से हटकर, क्योंकि वक्र है। तो अगर आपको वक्र ग्रह का प्रभाव अच्छा देखना है, अगर आपको वक्र ग्रह का एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है, तो आपको नॉर्मल से हटकर कुछ करना पड़ेगा, तभी आप वक्री ग्रह की पूरी विशेषता प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर ना केवल देवगुरु बृहस्पति अकेले वक्र प्रभाव डाल रहे हैं, तीन और ग्रह हैं जो मिलकर किसी आपके दो और भावों को बहुत प्रभावित करेंगे। कैसे? पहला आपका दसवां भाव जहाँ पर वृश्चिक पड़ती है राशि, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो गए उनकी सातवीं दृष्टि, और 15 नवंबर तक शनि जो वक्री हैं उनकी दसवीं दृष्टि। और दूसरा भाव है आपका बारहवां, जहाँ पर बृहस्पति महाराज की नवीं दृष्टि और केतु जो सदैव ही वक्री रहते हैं उनकी पांचवी दृष्टि। तो ये दो भाव भी बहुत प्रभावित हैं, और इनका वक्र प्रभाव भी आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तो क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा हो सकता है, हर बार की तरह विवेचना करने का प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि कुंभ है अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि कुंभ है अलग राशिफल बनाइए, नहीं हो सकता। जहाँ से ज़्यादा आपको लेट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, इनकेस आपको नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सर्वप्रथम बृहस्पति कहाँ बैठकर वक्री हो रहे हैं? बृहस्पति आपके चौथे भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं। चौथा भाव एक केंद्र भाव है, और जैसा मैंने कहा कि कोई भी ग्रह अगर स्ट्रांग होता है तो वो कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो वो स्ट्रांग होता है, और क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो उनकी शुभता बढ़ेगी। पहले इसी चीज़ की चर्चा करते हैं। चौथे घर में वक्री हो रहे हैं और शुभ ग्रह हैं, और आपके लिए तो धन कारक है, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, केवल दो ऐसे लग्न हैं जो ये योग रखते हैं कि एक ही ग्रह उनका धनेश और लाभेश है, उसमें से एक कुंभ है और एक है सिंह। तो आपके लाभेश का, आपके धनेश का स्ट्रांग होना कहाँ पर? आपके चौथे घर में बहुत स्पष्ट है, घर में पैसा आने वाला है, यानी कि आपकी फैमिली में पैसा आएगा। आपके पास तो आएगा ही क्योंकि आपके धनेश लाभेश हैं। चौथे घर में होना यानी कि आपके घर में पैसा बढ़ेगा, आपके घर में आपके बच्चे हैं उनको ग्रोथ मिलेगी,
आपके माता पिता हैं उनको ग्रोथ मिलेगी, आपके पति पत्नी हैं उनको ग्रोथ मिलेगी। तो यहाँ पर घर में ही धन की वृद्धि होने वाली है, तो बहुत विशेष है। एक परिवार अगर साथ में रहता और साथ में बढ़ता है, उससे अच्छी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर एक परिवार में एक सकारात्मकता है, परिवार में जुड़ाव है और सभी अच्छा कर रहे हैं, तो अवश्य वो बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना केवल आपका धन बढ़ेगा बल्कि परिवार का धन बढ़ेगा, परिवार मिलकर ग्रोथ करेगा, परिवार मिलकर आगे बढ़ेगा। अगर कोई फैमिली में डिस्प्यूट भी चल रहा है, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है और बृहस्पति धन के कारक है, लाभेश है धनेश, अगर पैसों का कोई वाद वाद होता है बड़े बड़े परिवारों में, पैसों को लेकर प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पेशली आज के टाइम में तो और भी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था, अपनी फैमिली के साथ बैठकर उन चीज़ों को सॉल्व करने का बहुत अच्छा ये टाइम रहेगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये समय रहेगा। और अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत लंबा अरसा हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, कोई प्रॉपर्टी थी जो आपने सोचा तो था कि बहुत ज़्यादा उसका आपको रेट मिलेगा, लेकिन उतना रेट नहीं मिल रहा, बस आप ये चाहते थे कि लिक्विडाइज हो जाए पैसा, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी बिकने के बहुत ज़्यादा योग हैं। कैसे? क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है और बृहस्पति चौथे से अष्टम के स्वामी है, यानी कि अचानक से लाभ, और चौथे से ग्यारहवें के स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ। तो प्रॉपर्टी बेचकर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हैं। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी चल रहा था तो वो भी, ये फैमिली से नहीं कह रहा, वैसे भी कभी कभी होता है कि आपने कोई फ्लैट लिया, कोई प्रॉपर्टी ली बिल्डर से, अब बिल्डर ने वादे तो बहुत कर दिए, ये करेंगे वो करेंगे, प्रॉपर्टी भी डिले कर दी, दुनिया भर के उसमें चार्जेस भी ऐड कर दिए, और जो प्रॉमिस किया था वो भी नहीं किया, तो फिर डिस्प्यूट होते हैं, केसेस चलते हैं, रेरा में केसेस चल रहे हैं, कंज्यूमर में कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे सरकार में, हमारे देश के कह सकते हैं व्यवस्था में कमी है कि बिल्डर्स आज भी भले कानून आ गए हैं रेरा आदि, फिर भी जो बायर्स होते हैं वो तंग होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपका कोई केस चल रहा था तो आपको उससे निकलने का मौका मिल सकता है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ का, और अधिकतम ये केसेस कॉम्प्रोमाइज़ में ही ख़त्म होते हैं। तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था अपने बिल्डर के साथ, तो उसका अंत हो सकता है। अगर आपका काम बहुत टाइम से चल रहा था, आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराना शुरू कर दिया, फिर बीच में क्या हो गया, बजट नहीं हुआ, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, बाधाएँ आ गई, कोई केस चल गया, कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई, तो अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी अपने घर की और वो नहीं हो पा रही थी, इस पीरियड में आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो सकती है, यानी कि आपको अपना घर वापस मिल सकता है। तो ये प्रॉपर्टी आदि धन के लिए, फैमिली के लिए अच्छा समय है, क्योंकि इमोशंस का अभाव है और बृहस्पति स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आपके इमोशंस में एक बदलाव आएगा, आपके अंदर शुभता आएगी, सकारात्मकता आएगी, क्योंकि बृहस्पति स्ट्रांग हो रहे हैं और बृहस्पति भाग्य कारक है। आप ना बहुत आगे की सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाग्य के साथ साथ बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है, तो इमोशंस का अभाव है, आपको पैसे कमाने के ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे ना, जिनको अगर आपने 10 आइडियाज़ में से दो को भी इम्प्लीमेंट अच्छे से कर लिया, यकीन मानिए आपका धन बहुत तेज़ गति से बढ़ सकता है। चौथा भाव मातृत्व भाव का भी होता है और बृहस्पति अपने आप में पालन पोषण करने वाले ग्रह हैं। यहाँ पे आपको चैरिटी का बहुत मौका मिलेगा, आपको दान पुण्य का बहुत मौका मिलेगा, आपको सोशल वर्क का बहुत मौका मिलेगा, ये भी अच्छा है। चौथा भाव भी शिक्षा का एक भाव है, लेकिन वो हम रेदर देन आपकी स्कूल एजुकेशन से ज़्यादा उसको हम जो एक बच्चे की आरंभिक शिक्षा होती है, जो उसको संस्कार दिए जाते हैं, उसके लिए देखा जाता है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं संस्कार के रूप में, आप कुछ ज्ञान के रूप में, आप कोई शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा समय है। चौथा भाव जो होता है वो केंद्र भाव होता है, और ये जीवन में जो केंद्र भाव होते हैं सारे 1, 4, 7, 10, ये व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो वक्री बृहस्पति स्ट्रांग हो रहे हैं तो स्थिरता तो आएगी, लेकिन क्योंकि इमोशंस के स्थान में वक्री हुए हैं, थोड़ा बहुत आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता पर ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ पर अचानक से कोई निर्णय ले सकते हैं इमोशंस के भाव में, और उसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से इमोशंस हैं और यहाँ से सीधी दृष्टि कर्म भाव पर है। तो यहाँ पे क्या होता है कभी कभी कि व्यक्ति सोचता है और सीधा कर देता है, उसके बीच में जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना कि सोचा, एनालाइज किया, दूसरे एंगल से सोचा, किसी से पूछा, वो गायब हो जाता है। तो ये इस पूरे वक्र
बृहस्पति के प्रभाव का आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप सोचेंगे कर देंगे, और अधिकतम ऐसी चीज़ें फिर नेगेटिव प्रभाव देती है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। हाँ, एक और चीज़ से बच के रहना है, जिनको हृदय के रोग हैं, लिवर के रोग हैं, सेहत पर ध्यान दें, और छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी यहाँ पर आपके बन जाते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से केयरफुल रहने की कोशिश करनी है। चौथा भाव माता का होता है, वक्री ग्रह सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो आपकी माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और क्योंकि भाव नवम से भी अष्टम है तो पिताजी की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। ये जो भाव है ये क्योंकि दसवें से सप्तम भाव है, अगर आप जॉब करते हैं तो यकीनन आपको अच्छा काम मिलेगा और आपके प्रमोशन आदि के योग भी बन जाते हैं। ये जो चौथा भाव है ये छठे से ग्यारहवां स्थान है, यानी कि दुश्मनों से लाभ, यानी कि अगर कोर्ट केस चल रहे थे तो उसमें आपको लाभ मिलने के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ये जो चौथा भाव है ये अष्टम से नवा है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, रुका हुआ धन से, वसीयत आदि से, इंश्योरेंस आदि से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चौथे भाव के बृहस्पति बहुत कुछ प्रदान करेंगे, और चौथे भाव के जो बृहस्पति हैं व्यक्ति को उदार करते हैं, तो आपका आपके अंदर उदारता रहेगी, और अगर आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगे थे उनको भी सॉल्व करने का यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। बस जो भी मैंने कुछ नेगेटिव इस चौथे घर के प्रभाव के बारे में कहा है उनका ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि है अष्टम पर, जहाँ पे केतु भी है, ये बहुत अच्छा है। कारण क्या है, कुंभ वाले मैं हमेशा कहता हूँ वो मोक्ष की तरफ भागते हैं, डिटैचमेंट की तरफ भागते हैं। अब यहाँ पे ना आप सच में उन चीज़ों के प्रति जा पाएंगे, आप डिटैच्ड फील करेंगे लेकिन अच्छे रूप में। कभी कभी क्या होता है, अधिकतम ये होता है हम डिटैच फील करते हैं लेकिन हम अपने आप को डिटैच कर नहीं पाते। हमारा मन में तो भाव आता है कि छोड़ दूँ सब कुछ, बच्चों को छोड़ दूँ, काम को छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन हम डिटैच कर नहीं पाते। ये वो टाइम है जब आप सच में ये समझ पाएंगे कि जो प्रोसेस है डिटैचमेंट का ये कैसे करें। ये ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा और छोड़ दिया सब कुछ, नहीं, इट्स अ प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च बहुत अच्छा टाइम है रिसर्च करने के लिए, जो प्रोफेशनल रिसर्च करते हैं उनके लिए तो है ही। कई लोगों का आदत होती है कि वो अपने आप अपने स्तर पर रिसर्च करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि दसवें भाव से ग्यारहवा है और यहाँ पर वक्री बृहस्पति जो भाग्य के कारक है, वृद्धि के कारक है, और केतु, यदि आपने पिछले एक डेढ़ साल में अपने करियर में अपने ऊपर काम किया, यानी कि अपने स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर काम किया, अवश्य यहाँ पर आपको अपने कार्यक्षेत्र में धन की वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि दसवें से लाभ स्थान यहाँ पर इम्पैक्टेड है, और क्योंकि केतु है तो अभी भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस ये ध्यान देना कि यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का, यानी कि केतु और बृहस्पति का प्रभाव है, आप जब किसी चीज़ में घुसना शुरू करेंगे ना, किसी टॉपिक में किसी टॉपिक को समझना शुरू करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको रुकना कहाँ पे है। और कभी कभी इसके कारण क्या होता है, आपकी ऊर्जा, आपका धन, आपका समय, आपके रिसोर्सेज, आपके सोर्सेज, आपके मन मस्तिष्क, हर चीज़ का बुरा, हर चीज़ का व्यय हो जाता है। तो कहाँ पे रुकना है इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। रिसर्च बहुत करेंगे आप लेकिन रुकना कहाँ पे है ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। बृहस्पति केतु कभी कभी व्यक्ति को बहुत फार साइटेडनेस देते हैं, यानी कि जब इनका प्रभाव होता है ना, व्यक्ति अभी के लिए आने वाले 5 साल के बारे में सोचता है, या 5 साल के बाद क्या हो सकता है वो सोचता है, वो आइडियाज़ आते हैं, और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो आज का नहीं, आज से 5 साल 10 साल बाद का सोच के रखते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे के बारे में सोच विचार, प्लानिंग करने का भी बहुत मौका मिलेगा। और गुप्त विद्याओं के लिए मैं बता ही चुका हूँ, ये समय बहुत अच्छा होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, राहु केतु को हमेशा हम तंत्र विद्या से कनेक्ट करते हैं, और क्योंकि चौथा भाव है और अष्टम पर प्रभाव है, आपके पूरे परिवार पर और आप पर भी कोई तंत्र क्रिया हो सकती है, तो केयरफुल रहेगा। और अगर अचानक से सब कुछ पलटना शुरू हो जाए, मतलब कि पूरे परिवार पर किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया करके रखी है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से जो सच में इन चीज़ों को जानता है उनसे इन चीज़ों का परिहार करवा लीजिएगा। बृहस्पति महाराज की जो सातवीं दृष्टि है वो पड़ेगी दसवें घर पर, और यहाँ पर शनि महाराज की भी दृष्टि है। ये जॉब चेंज का सबसे बड़ा इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि शनि देख रहे हैं, बृहस्पति देख रहे हैं, और शनि 12वें घर के स्वामी, जो अंत दिखाता है, तो यहाँ पे जॉब चेंज की संभावना बनेगी, ऑफर भी आएंगे, लेकिन बस मान के चलेगा दोनों वक्री हैं तो शायद प्रोसेस बहुत लंबा हो जाए। मतलब कि आपका इंटरव्यू हुआ, अच्छा हुआ, फिर उन्होंने बोला कि हाँ सोचते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद बोलेंगे इंटरव्यू तो अच्छा था, अब आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा प्रोसेस जो बहुत लंबा चलेगा।
तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि हाँ जॉब चेंज हो रही है हो रही है हो रही है, वो प्रोसेस ही बहुत लंबा खींच सकता है। तो जॉब चेंज के योग तो है लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा खींचेगा। और क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी है तो विदेश में जॉब लगने के योग भी बन जाते हैं। और ये कर्म भाव है दो वक्री ग्रह, यानी कि आपको सफलता अलग प्रकार से मिलेगी, आप बहुत बदलाव लाएंगे और नॉर्मल से हट के अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। ये कर्म भाव है यानी कि करियर तो दिखाता ही है, और ये पूर्ण योग कारक भाव है, आपके इतने कार्य पूर्ण होंगे ना जो आपने इससे पहले सोचे ही नहीं थे, यानी कि आप सालों से जिस कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए थे, ये वो समय है जब दो वक्री ग्रह मिलकर अलग तरीके से भले ही नॉर्मल से हटके ही भले आपके कई कार्यों में पूर्णता लेकर आएंगे। तो अति विशेष यहाँ पे लाभ मिल रहा है, इसका आपको फायदा उठाना है। कर्म भाव रास्ता दिखाता है, कर्म भाव पूर्णता लाता है, कर्म भाव आपको बताता है कि क्या करना है, और अवश्य जब ये चीज़ें क्लियर होती है तो व्यक्ति आगे बढ़ता ही है। बिजनेस में भी लाभ होगा, करियर में भी लाभ होगा, और एक प्रकार से धन का लाभ तो दिख ही रहा है, क्योंकि कर्म अगर अच्छे होते हैं, कर्मों में सफलता मिलती है, तो भौतिक रूप से तो व्यक्ति आगे बढ़ता ही है। इसके बाद जो आपका भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है वो है आपका 12वां घर। कैसे? क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और केतु की 8वीं दृष्टि। अब क्योंकि केतु 8वें घर से बैठ कर देख रहे हैं और 12वां घर, दोनों ही गुप्त इनकम दिखाते हैं, और बृहस्पति लाभ और धन के स्वामी हैं। अगर आपके गुप्त सोर्सेज ऑफ इनकम है, आप टैक्स बचाते हैं, आपके कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे आप कैश में पैसा लेते हैं, कुछ इलीगल करते हैं, अनमोरल करते हैं, छुपा के करते हैं, उन कार्यों में वृद्धि बहुत हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, केतु क्योंकि देख रहे हैं, कभी कभी इन्हीं कार्यों में धोखा मिल जाता है, यानी कि अब तक तो सब सही चल रहा था, अब यहाँ पर अगर आपको धोखा मिल गया तो आप कंप्लेंट किसको करेंगे, क्योंकि आपका काम ही इलीगल है, उसमें अगर धोखा मिल गया तो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। लेकिन यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण बहुत एक्टिव हो रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की भावना भी आ सकती है। मैंने अभी कहा कि क्लैरिटी आएगी डिटैचमेंट में, लेकिन अगर आपकी दशा ही इस टाइम पे शनि की, केतु की, 12वें घर में बैठे ग्रह की चल रही है, लग्नेश की चल रही है, क्योंकि लग्न का स्वामी भी अगर उसकी दशा बहुत लेट आती है जीवन में तो अचानक से अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर देंगे। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जब ऐसा होना शुरू होता है ना, व्यक्ति अपने काम छोड़ना शुरू कर देता है, उसका अपने काम से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, माता पिता से, पति पत्नी से ध्यान हटना शुरू हो जाता है, और फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है। खर्चों को नियंत्रित करने का मौका मिलेगा आपको। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 12वां जो भाव है ना, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के हिडन डिज़ायर्स को भी ओपन कर देता है, क्योंकि 8वां भाव भी देख रहा है, कई ऐसी इच्छाएं जो बहुत दबी हुई थी वो भी आपकी जागृत हो सकती है, और ये एक तरफ डिटैचमेंट है, एक तरफ इच्छाएं हैं। तभी मैं कहता हूँ ज्योतिष बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये 12वां भाव भोग का भी है और यही मोक्ष का भी है, 12वां भाव शयन सुख का भी है और यही साधनाओं का भी है, गुप्त साधनाओं का, और फिर से मोक्ष का भी है। तो यहाँ पर एक और तो आप डिटैचमेंट फील करेंगे, वहीं कोई बहुत पुरानी इच्छाएं जागृत होंगी, और जो एनर्जी है जो अलग प्रकार की है दोनों, ये आपको बहुत कन्फ्यूज भी कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन धनेश देख रहे हैं तो विदेश से लाभ आने के योग बहुत हैं, और अगर आप विदेश से इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे तो उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ मिल सकता है। तो ओवरऑल कई अच्छी चीज़ें हैं, जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कहा उनका ध्यान दीजिएगा, सेहत का ध्यान दीजिएगा, जो मैंने 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट की। अब उपाय की बात करते हैं, ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, बार बार नहीं करने। कोशिश कीजिएगा किसी गुरुवार कर लें, यानी कि थर्सडे कर लें, नहीं कर सकते थर्सडे तो किसी भी दिन कर लीजिएगा। पहला उपाय, आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है, मंदिर आदि हो आसपास तो वहाँ पर जाकर पहले जल अर्पण कीजिएगा, एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा जिसमें चुटकी हल्दी की होनी चाहिए, और ओम गोचराय नमः मंत्र का, गोचर शब्द से निकला है, ओम गोचराय नमः मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप कीजिएगा। शिवलिंग का शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना है, 3 प्रकार के फूल, 3 प्रकार के फल अर्पण करने हैं, 1 तिल का तेल का दिया अर्पण करना है, और फिर वहीं पर बैठकर ओम महाकालाय नमः मंत्र का जाप करना है, और जो पंडित जी हैं मंदिर में, ब्राह्मण देवता हैं, उनको दक्षिणा मिठाई का डब्बा अर्पण करना है और उनका आशीर्वाद लेके आना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है वो आप पर अच्छा ही रिजल्ट लेकर आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।